अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप लोग 2022 के अंदर अपने एमरस आईडी का फाइन चेक कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ दिन एक साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सिखाया था कैसे आप लोग जो है एमरस आईडी का फाइन चेक कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया था, उनको नहीं पता, तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ मैं उनको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपनी एमरस आईडी का फाइन चेक कर सकते हैं कि आपकी एमरस आईडी के ऊपर फाइन है या नहीं है। वीडियो को मुकम्मल लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल रऊफ कश्मीरी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने करना क्या, आपने अपने मोबाइल में ये काम आप कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, अपने लैपटॉप में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो आपने करना क्या, क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पर ऊपर 3 डॉट होंगे, उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। बाकी जो काम है वो बिल्कुल सेम जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपने करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने करना है कि यहाँ पर आपने सिंपल सा सर्च करना है एमरस आईडी फाइन चेक। ओके, ये लिखकर आपने सर्च कर देना है। सबसे पहले नंबर पर आपको यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगी es.ad.police.government.ae, ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग, अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी का आप चेक करना चाहते हैं, गाड़ी से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एमरस आईडी पे क्लिक करके यहाँ पर आपको एमरस आईडी का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने क्या करना है, एमरस आईडी से चेक करना है। तो आपने करना क्या, यहाँ पर आपने अपनी एमरस आईडी का नंबर लिख लेना है। तो चलें जल्दी से मैं यहाँ पर अपनी एमरस आईडी का नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने करना क्या, उसके बाद आपने यहाँ पर जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये टेक्स्ट आपने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, जल्दी से मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ H4QOUE। ओके, जिस तरह यहाँ पर ये लिखा होगा वही आपने यहाँ पर लिख लेना। मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप बिल्कुल सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जिस तरह का आपको यहाँ पर मिलेगा ये डिफरेंट होता है, तो आपने वो यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आपने करना क्या, यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगी डिटेल वगैरह, यहाँ पर ले सकते हैं मेरा कोई फाइन नहीं है, नो फाइन अकॉर्डिंग दिस कंडीशन आर यूज इन दिस इंक्वायरी प्रोसेस, मेरा कोई फाइन नहीं है। अगर आपके आईडी के ऊपर कोई फाइन होगा या आपकी जो है गाड़ी का कोई फाइन होगा तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इस तरह आसानी के साथ आप लोग चेक कर सकते हैं कैसे आप लोग आईडी के ऊपर कोई फाइन है या नहीं है। उम्मीद करूंगा आपको समझ लग गई होगी। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।